जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन, सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स और कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो सेल जंक्शन इज द कनेक्शन, तो दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन जंक्शन, क्योंकि आपस में मेम्ब्रेन का ही अटैचमेंट होता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए मेम्ब्रेन में ही जंक्शन बनता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन जंक्शन भी बोलते हैं। नाउ सेल जंक्शन आर ऑफ थ्री टाइप, ऑक्लूडिंग, कॉम्युनिकेटिंग एंड एंकरिंग। तीन टाइप के होते हैं, ऑक्लूडिंग, कॉम्युनिकेटिंग एंड एंकरिंग। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज ऑक्लूडिंग, सेकेंड इज कॉम्युनिकेटिंग जंक्शन, थर्ड इज एंकरिंग जंक्शन। ओके, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन का मतलब क्या होता ओके है, ऑक्लूडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ऑक्लूडिंग का मतलब होता है जो किसी चीज को रोके। ओके, जो किसी भी चीज को रोके, आपस में होने से रोके। ऑक्लूडिंग का मतलब है या तो रोकना, किसी भी चीज को रोकना, ऑक्लूड करना। सो ऑक्लूड वर्ड का मतलब होता है रोकना। और जंक्शन मतलब अभी मैंने बताया था, जो किसी चीज को जोड़ जोड़ जोड़। जोड़ों से ओके, तो सेल जंक्शन विच प्रिवेंट इंटरसेल्युलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्लूडिंग जंक्शन, आर कॉल्ड ऑक्लूडिंग जंक्शन। तो इस लाइन का मतलब बहुत सिंपल सा है। सेल जंक्शन सेल के वो जोड़ जो आपस में सेल के एक्सचेंज होने में, जो इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब है, जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, आयन, फ्लूइड, उन उनका आपस में एक्सचेंज होने से रोके। ओके, तो दो सेल्स हैं अगर, तो दोनों सेल्स में कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, आयन्स प्रेजेंट होंगे, फ्लूइड प्रेजेंट होंगे, डीएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इतनी सारी चीजें दोनों में प्रेजेंट हैं। तो वो ऑक्लूडिंग जंक्शन का फंक्शन यही होता है, वो इन दोनों सेल को आपस में रोकती है कि वो इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ना कर पाए। आप सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको आपस में अदला बदली ना कर पाए। ओके, तो ये जरूरी होता है। सो दीज जंक्शन प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। दीज मॉलिक्यूल्स और दीज जंक्शन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो इनका फंक्शन सिंपल सा है, ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से रोकते हैं। ओके, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन का फंक्शन क्या है? आयन और एक्सचेंज मॉलिक्यूल को को रोकना। एक एक्सचेंज को रोकना। ओके, जो आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एक्सचेंज को रोकना एक सेल से दूसरे सेल में जाने से। तो इसका सबसे पहला जो टाइप होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन का, उसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। उसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ओके, सो टाइट जंक्शन इज इंटरसेल्युलर ऑक्लूडिंग जंक्शन दैट प्रिवेंट पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, सो टाइट जंक्शन इज द इंटरसेल्युलर, मतलब दो सेल के बीच में ऑक्लूडिंग जंक्शन है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। सो टाइट जंक्शन का काम क्या है? टाइट जंक्शन का काम क्या है? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रिवेंशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इनका प्रेजेंस कहां पर होता है टाइट जंक्शन का, वो भी देख लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ जंक्शन, दैट इज टाइट जंक्शन, इज प्रेजेंट इन
एपिकल मार्जिन ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स इन द इंटेस्टाइनल मिकोसा, वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्स, कैपिलरी वॉल्स एंड कोरोइड प्लेक्सस। सो अभी अगर किसी को समझ नहीं आया है कि एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स कहाँ कैसे होते हैं, कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आ जाएगा। लेकिन आप इतना याद रखिए, टाइट जंक्शन का जो प्लेसमेंट है वो इंटेस्टिनल मिकोसा में है, रीनल टिब्यूल्स में है, वॉल ऑफ रीनल टिब्यूल्स ये आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। देन कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरीज होती हैं आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो कैपिलरी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाम अभी के लिए याद रखिए, जैसे जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे ये सारे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। ओके, तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं टाइट जंक्शन का। तो टाइट जंक्शन आप देख सकते हैं, दो सेल्स हैं, एक और दो, और बीच में इनका अटैचमेंट हुआ है, तो इट इज टाइट जंक्शन। इसको हम आगे देखते हैं इसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। टाइट जंक्शन इज मेड अप ऑफ अ रिज विच हैज टू हाफ, वन हाफ ऑफ द रिज इज फ्रॉम वन सेल एंड अनदर हाफ इज फ्रॉम द अदर। Both halves of each half of the ridge consists of tight junction strings. कंफ्यूज होने की नहीं, टाइट जंक्शन जो है दो तरीके, एक रिज से बनता है, ब्रिज भी नहीं बोलेंगे तो आप इसको ब्रिज बोल लीजिए, ब्रिज, ठीक है। तो दोनों साइड से, दोनों सेल्स के थ्रू, तो दोनों सेल्स हैं, एक सेल सेल वन सेल टू, तो आधा जंक्शन जो है सेल टू प्रोवाइड करता है और आधा सेल वन, दोनों हाफ हाफ मिलकर प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद ही इनमें अटैचमेंट हो पाता है। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की, ये बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं दोनों आपस में, इसमें कोई मतलब ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। ओके, तो टाइट जंक्शन बहुत ही, प्रोटीन्स ऑफ टाइट जंक्शन वी डोंट हैव टू सी दैट राइट नाउ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम प्रोटीन्स ऑफ टाइट जंक्शन को नहीं देखेंगे, ये पूरा आप अवॉइड कर सकते हैं आप अपनी बुक्स में से। नाउ कम्स फंक्शंस ऑफ टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन के फंक्शंस क्या क्या हैं। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, द टाइट जंक्शन होल्ड द नेबरिंग सेल्स ऑफ टिश्यूज फॉर्मली एंड दस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द टिश्यूज। तो जब भी हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की, आपने देखा कि ये दोनों आपस में, दोनों सेल्स कितने अच्छे से क्लोजली एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे सेल्स को अगर टाइट जंक्शन के थ्रू में बाइंड कर देते हैं, तो सेल्स से हमारे बनते हैं टिश्यूज। जब एक जैसे सेल इकट्ठे होते हैं तो हमारा वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, टिश्यू की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ये टाइट जंक्शन उसमें हेल्प करते हैं, उसको प्रोवाइड कराने में ये टाइट जंक्शन हेल्प करते हैं। ओके, देन कम्स सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी गेट फंक्शन, द टाइट जंक्शन फॉर्म अ सेलेक्टिव बैरियर फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज अ टोटल बैरियर फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो परमेबिलिटी मतलब एक तरीके से परमिशन, कि कौन सा पार्टिकल सेल के अंदर आ सकता है और कौन सा पार्टिकल सेल के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो भी डिसाइड करने में ये टाइट जंक्शन हेल्प करते हैं। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज वन ऑफ द फंक्शन, तो ये टाइट जंक्शन का फंक्शन होता है। फेंसिंग फंक्शन, फेंसिंग फंक्शन, तो टाइट जंक्शन प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, दस एक्ट एज अ फेंस। तो अभी हमने बात करी थी कि टाइट जंक्शन मूवमेंट नहीं होने देता है एक जगह से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसी को हमने इसमें देखा है फेंसिंग फंक्शन। तो ये प्रोटीन और लिपिड्स को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से रोकता है। ओके,
देन कम्स मेंटेनेंस ऑफ सेल पोलैरिटी, सो ये भी आपका उसी से रिलेटेड है पूरा। तो टाइट जंक्शन को हमने देखा अभी, और इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में। ब्लड ब्रेन बैरियर ये इम्पोर्टेंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड ब्रेन बैरियर ही एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को सेफ रखने में हेल्प करता है। तो जितनी भी आपकी, ये एक तरीके से बैरियर का मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज में रुकावट डालना। तो कोई चीज जो रुकावट डाल रही है किसी चीज में, उसको हम बैरियर बोलते हैं। ब्लड ब्रेन, सो ब्लड एंड ब्रेन, सो टाइट जंक्शन इन ब्रेन कैपिलरीज फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्रेंस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम कैपिलरी ब्लड इनटू टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज। ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कैन पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज जो ध्यान देने वाली है, ब्लड ब्रेन बैरियर इंपॉर्टेंट है, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है हमारे टाइट जंक्शन के थ्रू बनता है। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम ब्रेन को बहुत प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ब्लड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, सिमिलरली इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें ब्रेन के टिश्यूज तक ना पहुंचे, इसके लिए एक बैरियर बनाया जाता है, और वो बैरियर आपका टाइट जंक्शन के थ्रू बनाया जाता है। ओके, नाउ कम्स सेकेंड, कॉम्युनिकेटिंग जंक्शन। हमने अभी देखा कौन सा, ऑक्लूडिंग ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन का फंक्शन क्या था? प्रिवेंट करना दो सेल के एक्सचेंज ऑफ जोड़ने, मटेरियल को, प्रिवेंट दो सेल्स के बीच में एक्सचेंज को प्रिवेंट करना, करना मटेरियल्स के एक्सचेंज आयन्स और को। मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को प्रिवेंट हाँ जी, करना। उसका जो सबसे पहला टाइप था वो था टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन इसका बेसिक टाइप है ऑक्लूडिंग जंक्शन का। सो टाइट जंक्शन हमेशा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ सेकेंड कम, हाँ लार्ज पार्टिकल्स का होता है। जी, तो सेकेंड कम कम्युनिकेटिंग जंक्शन, सेकेंड इज कम्युनिकेटिंग जंक्शन। सो हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, उसमें से दूसरा टाइप है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ओके, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। नाउ इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। सेल जंक्शन विच परमिट द इंटरसेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ओके, सो ऑक्लूडिंग में रुकावट थी, ऑक्लूडिंग जंक्शन में रुकावट थी, कम्युनिकेटिंग जंक्शन में वो रुकावट नहीं है। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन का काम ही यही है कि वो परमिट करते हैं इंटरसेल्यूलर एक्सचेंजेस को। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ऑक्लूडिंग एंड कम्युनिकेटिंग में? ऑक्लूडिंग में रुकावट थी, वहां पर एक्सचेंज नहीं होने दिया जा रहा था, कम्युनिकेटिंग में वो रुकावट हट गई है, ये एक्सचेंज करने को परमिट करता है। सो एक सेल से दूसरे सेल में आपकी आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स जा सकती हैं। ओके, समझ में आया कम्युनिकेटिंग जंक्शन? यस सर, ओके, सो इसका काम बहुत बेसिक सा है, ये अलाउ करता है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स को। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं गैप जंक्शन एंड केमिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस। तो केमिकल साइनेप्सिस हम आगे भी देखने वाले हैं, तो पहले हम देखते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन इज द इंटरसेल्यूलर जंक्शन दैट अलाउज पैसेज ऑफ आयन्स एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्सस। इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट, बेसल पार्ट ऑफ एपिथियल सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा एक्सेट्रा। सो गैप जंक्शन आर
इंटरसेलुलर जंक्शन दो सेल के बीच में जो जोड़ होता है दैट अलाउज पैसेज ऑफ आयन, जो अलाउ करता है आयन एंड मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्सचेंज करने में. सो एक सेल दूसरे सेल के साथ में अपने आयन एंड मॉलिक्यूल्स को शेयर कर सकता है, बांट सकता है. ओके तो उसको हम कहते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन. ओके प्रेजेंट इन सर पार्ट. हाँ जी जी सर, इसमें न्यूरॉन्स में हो सकता है क्या गैप जंक्शन? न्यूरॉन्स में कैसे हो सकता है? आपको क्यों लग रहा है न्यूरॉन्स में हो सकता है? सर सिनेप्स होते हैं ना बीच में, तो वो हाँ दोनों जी, में तो इंटरलिंक होता है ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद गैप जंक्शन तो होता हो। केमिकल साइनेप्स का हम देखने वाले हैं ना, वो दे रखा है इसमें एग्जांपल में. आप पहले तो एक चीज समझिए, पहले आप एक चीज समझिए, कम्युनिकेटिंग जंक्शन का एक पार्ट है गैप जंक्शन. ओके जी सर, और वैसे ही केमिकल साइनेप्स भी कम्युनिकेटिंग जंक्शन का ही पार्ट है. तो केमिकल जी साइनेप्स और गैप जंक्शन दोनों ही कम्युनिकेटिंग जंक्शन का पार्ट है, और कम्युनिकेटिंग जंक्शन का मेन रोल है इंटरसेलुलर एक्सचेंज, दो सेल्स के बीच में एक्सचेंज होने देना. जी सर, ओके तो गैप जंक्शन अलग है, केमिकल साइनेप्स अलग है. उसको हम देखेंगे कि क्यों अलग है, उसको भी देखेंगे. जी सर, ओके तो मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरसेलुलर स्पेस इज रिड्यूस फ्रॉम द यूजुअल साइज ऑफ 2.5 to 3 nanometers. साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स इज कनेक्टेड बाय चैनल्स फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द बोथ सेल्स. सो द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल डायरेक्टली फॉर्म थ्रू दिस सेल्स विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो यहाँ पर यह समझाया गया है दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्टली आपके साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है. ओके तो डायरेक्टली आपके मेम्ब्रेन जब जुड़ते हैं तो आपके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है तो गैप जंक्शन में सेल वन सेल टू ये दोनों आपके जंक्शन हैं, गैप जंक्शन दिखा रखे हैं इधर. तो आप इसमें देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जब जुड़ती हैं दोनों सेल्स की, तो आपके साइटोप्लाज्म में भी एक जॉइंट बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जंक्शन बन जाता है. तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आपका ट्रांसफर हो सकता है. इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कोई रोल नहीं आता बीच में, कोई इसमें आपको प्रोसीजर अलग से नहीं करना पड़ता. इसमें साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म डायरेक्टली इंटर एक्सचेंज हो सकता है. ओके ईच चैनल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ, ईच हाफ बिलोंग्स टू वन ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स, ईच हाफ ऑफ द चैनल इज सराउंडेड बाय सब सिक्स सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड कनेक्सिंस और कनेक्शन. ओके तो इसमें यही बताया गया है, दो हाफ है आप देख सकते हैं, एक हाफ यहाँ पर है. तो दो हाफ है, दोनों में से आधा हाफ जो है सेल वन प्रोवाइड करता है, आधा हाफ सेल टू प्रोवाइड करता है, और दोनों मिलके फिर वो गैप जंक्शन बनाते हैं. और उसी को फिर हम इम्पोर्टेंट होता है इसका भी हम देखते हैं. तो फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शन, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन. सो डायमीटर ऑफ द चैनल इन द गैप जंक्शन इज अबाउट 1.5 to 3 nanometers. So the channel permits the passage of glucose, amino acids, iron and other substance which have molecular weight less than 1000. So आपके जो ये large molecules होते हैं, glucose, amino acids, ions, छोटे charged particles and other substances, जिनका molecular weight 1000 से नीचे होता है, वो सारे gap junctions के through pass कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. Okay? इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन द सेल्स. तो दो सेल्स के बीच में केमिकल मैसेंजर्स का भी एक्सचेंज होने में ये हेल्प करते हैं गैप जंक्शन. इट हेल्प इन रैपिड प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझने में आसानी होगी. अभी हमने बात करी केमिकल मैसेंजर्स की, वैसे ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होते हैं. ठीक है तो
अगर हमें कोई मैसेज सेल टू सेल पहुंचाना है, एक सेल से दूसरे सेल तक कोई मैसेज पहुंचाना है फास्ट, तो हम गैप जंक्शन का यूज करते हैं उसमें. ओके, अगर हमें एक मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचाना है, दूसरे या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, तो तब भी हमारे ये काम करते हैं. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए. तो अगर हमें कोई मैसेज बहुत फास्ट पहुंचाना होता है तो हम थ्रू गैप जंक्शन पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है सेल टू सेल मैसेज पहुंचाने के लिए. ओके, सो फंक्शंस ऑफ द गैप जंक्शन के बाद में हम देखते हैं केमिकल साइनेप्सिस. केमिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस. ओके, केमिकल साइनेप्सिस द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर और बिटवीन टू नर्व फाइबर्स थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर. तो जब भी अभी आप बात कर रहे थे, हम नर्वस सिस्टम में भी इसको देख सकते हैं, तो उसको हम केमिकल साइनेप्स बोलते हैं. केमिकल साइनेप्स बोलने का रीजन क्या है, यहाँ पर जो है केमिकल ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं. ओके, और उनके हिसाब से सिग्नल्स आगे सेल टू सेल जाते हैं. तो अगर ये केमिकल ट्रांसमीटर्स अगर रिलीज नहीं होंगे तो आपका जो मैसेज है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, तो दो सेल्स के बीच में जब कम्युनिकेशन बनता है, वेदर इट इज नर्व फाइबर्स एंड मसल फाइबर और टू नर्व फाइबर्स, दो नर्व फाइबर्स के बीच में या फिर एक मसल फाइबर और एक नर्व फाइबर के बीच में, तब उसे हम केमिकल साइनेप्स बोलते हैं. इसमें केमिकल ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं. यह आपके आने वाले पार्ट में आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा. साइनेप्सिस खुद एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसमें भी आएगा. ओके, तो हमारे दो अभी तक हो गए हैं. नाउ लास्ट इज एंकरिंग जंक्शन. तो पहले हम दो को देख लेते हैं, हमने जो दो देखे. तो अभी तक हमने जो देखे हैं वो है सेल जंक्शन तीन टाइप के होते हैं. एक पहला Occluding. दूसरा Communicating. Very good. Now last one is Anchoring junction. So occluding का function था Oppose, prevent करता है. Okay. Exchange को. Communicating junction का function क्या था? Exchange करता है. फंक्शन क्या होता है वो हम एक बार देखते हैं. तो एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट. सो Anchoring junctions are the junctions which provide strength to the cells by acting like mechanical attachments. These junctions provide firm structural attachment between two cells or between a cell and extracellular matrix. Now, anchoring का मतलब होता है जुड़ना, किसी से जाके जुड़ना. Okay, stability के लिए किसी से जाके जुड़ना. Anchor. एंकर का काम होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना. ओके, सो एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट. तो यहां पर हम देख सकते हैं तो ये आपको एंकरिंग जंक्शन का एक डायग्राम दिखा रहे हैं. सेल वन एंड सेल टू, सेल वन एंड स्क्रीन हो रही. ओके, तो आप में से किसी ने स्क्रीन प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया शायद. ओके, नाउ यू कैन सी. यस सर. तो फिर से मैं एक बार एंकरिंग जंक्शन पे फिर से आ जाते हैं. सो एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन
which provide strength to the cells by acting like mechanical attachments. तो दो सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं, दो सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं और उनको फंक्शन करना होता है कि वो एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें. ओके, तो दो सेल्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम आपस में जुड़े जाते हैं और हम एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो उसके लिए वो एक जोड़ बनाते हैं, उस जोड़ को हम बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन. ओके, तो एंकरिंग जंक्शन आर द जंक्शन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल्स बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट. तो अटैचमेंट बनाते हैं वो और उसी को हम बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन. ओके, सो ये आपस में दो सेल में हो सकता है, ये दो सेल्स के बीच में जोड़ हो सकता है, या फिर एक सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जोड़ हो सकता है. तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है. तो अगर सेल को स्टेबिलिटी दूसरे सेल से नहीं मिल रही तो वो सेलुलर मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में एक जंक्शन बना के वहां से एक स्टेबिलिटी ले लेगा. नॉ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंकरिंग सेल्स की इम्पोर्टेंट क्या है. ओके, तो एंकरिंग जंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज एंड आर प्रेजेंट इन टिश्यूज लाइक हार्ट मसल्स एपिडर्मिस ऑफ स्किन विच आर सब्जेक्टेड टू सेवियर मैकेनिकल स्ट्रेस. सो आपको मैंने बताया था जब एक साथ बहुत सारे सेल्स, एक ही तरीके के सेल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यूज. वो मिलके बनाते हैं टिश्यू. ठीक है, टिश्यू. अब टिश्यूज जो है आपके जो जितने भी टिश्यूज हैं जैसे कि हार्ट मसल्स हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज और हैं. ठीक है, तो उनको चाहिए होता है स्टेबिलिटी. टिश्यूज को चाहिए होती है स्टेबिलिटी क्योंकि उनको फंक्शन करना है, ऑर्गन के लिए फंक्शन करना है. अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे तो ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा. ओके, तो टिश्यूज का काम होता है फंक्शन मेंटेन करके रखना. नाउ लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम रोज की जिंदगी में, रोज की हम लाइफ में हम जब बात करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है. किस चीज का? मैकेनिकल स्ट्रेस. आपके हार्ट पे 24 आवर्स वर्क कर रहा है हार्ट. ओके, सिमिलरली आपके स्किन पे मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत पड़ता है. ओके, तो उन सब में, उन सब के लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है. टिश्यूज को एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है. वो स्ट्रेंथ इन जंक्शन से मिलती है, एंकरिंग जंक्शन से. ये जंक्शन क्या करते हैं, ये इतने टाइटली क्लोज हो जाते हैं सेल टू सेल, तो ये आपस में इतने अच्छे से जोड़ बनाते हैं आपस में सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कि जब कोई डैमेज या फिर कोई स्ट्रेस आए तो ये उसको सामना कर सके. ओके, तो ये स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं आपके एंकरिंग जंक्शन. ओके, तो देर आर टू और थ्री टाइप जो हम इसमें देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंकरिंग जंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स: एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट. तो इसमें हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं जो सेल टू सेल अटैच हो सकते हैं. ओके, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ओके, तो ये दो टाइप के होते हैं. इसमें हम देखते हैं कि कैसे फिर आगे अटैचमेंट्स होते हैं. सो अडेरेंस जंक्शन सेल टू सेल, एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू जब अटैचमेंट होता है सेल टू सेल तो उसे हम बोलते हैं अडेरेंस जंक्शन. ओके, दो सेल्स के बीच में जब एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू अटैचमेंट होता है तब उसे हम बोलते हैं एडेरेंस जंक्शन. और जब सेल और मैट्रिक्स के बीच में एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू अटैचमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं फोकल एडेशन. ओके, फोकल एडेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फोकल एडेशन. तो सेल टू सेल अगर होगा तो उसे हम बोलेंगे एडेरेंस जंक्शन और अगर सेल टू मैट्रिक्स होगा तो हम उसे बोलेंगे फोकल एडेशन, अगर ये एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू हो रहा है तो.
अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू होता है तो हम एक को बोलते हैं सेल टू सेल में हम बोलते हैं डेस्मोसोम, और सेल टू मैट्रिक्स में हम बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम। ओके, तो इसमें आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है कि हर एक अलग अलग उसको पढ़ना है, लेकिन ये आपके लिए एक छोटा सा दे रखा है। सेल जंक्शन, जंक्शन का टाइप, प्रोटीन से इन्वॉल्व, अगर आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस फंक्शंस पता होने चाहिए एंड एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सेल जंक्शन, फंक्शन एंड एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल्स का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लास्ट वाले जो चार हैं, एडेरेंस जंक्शन, फोकल एडेशन, डेस्मोसोम एंड हेमी डेस्मोसोम, तो इनका काम है सेल टू सेल अटैचमेंट। ये बेसिकली चारों ही आपके स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग, हार्ट एपिडर्मिस, एपिथेलियल लाइनिंग स्किन, एपिथेलियल लाइनिंग अगेन। ओके, तो यहाँ पर आपके सेल जंक्शन ओवर होते हैं, सेल जंक्शन ओवर होते हैं। ओके, तो सेल जंक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसे हम एक बार रिवाइज फिर से करेंगे, जब हमें हमारा ये टॉपिक हो जाएगा तो सेल जंक्शन हम जरूर करेंगे एक और बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर।